ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल इनटू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अभी देखो जो हमने अभी अभी क्वेश्चन डिस्कस किया ना, अगर आपको इसमें ये बोलते कि नाउ द ऑल पार्टनर्स डिसाइड टू कीप देयर कैपिटल अकाउंट्स एज द फ्लक्चुएटिंग, मतलब हमें फिक्स्ड कैपिटल, ये हमें यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है वो हमने अलग बना लिया, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए हमने करंट अकाउंट बना लिया, ठीक है। क्योंकि हमें उस क्वेश्चन में ना कहीं भी ये नहीं कहा हुआ था कि आपको अब कन्वर्जन करना है या कुछ भी, लेकिन अगर आपको एक लाइन यहाँ पर दे देते हैं कि नाउ पार्टनर्स डिसाइड, ये देखिए जैसे ये वाला, इट वॉज डिसाइडेड टू हैंस फोर्थ फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जो हमने अभी लेटेस्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, नथिंग, बिल्कुल भी कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, जस्ट एक पॉइंट है, इट वॉज डिसाइडेड टू हैंस फोर्थ फॉलो द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर इस तरीके का आपको कह देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने एक ही दो अकाउंट बनाए थे ना, कैपिटल अकाउंट अलग बनाया था, करंट अकाउंट अलग बनाया था। अब आप सिर्फ क्या करोगे, यहां पर लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले सपोज थ्री पार्टनर्स हैं, ए बी पुराने हैं और सी न्यू वाला है, तो पहले आपने यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बाय करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ना, अलग बनाने के बजाय आप उसी में ही करंट अकाउंट कर दोगे और यहाँ पर बाय करंट अकाउंट का बैलेंस लिख दोगे, और बाकी के जितने भी हैं, जनरल रिजर्व डिवाइड करना है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, कोई गुडविल का अमाउंट मिलना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल है, वो सब इसी में ही कर दोगे। मींस जो ये ओपनिंग कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग में, मतलब नाउ पार्टनर्स आर अलाउइंग दैट देयर कैपिटल शुड बी डिफरेंट, वो मे बी डिफरेंट फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पर करंट अकाउंट को एक साथ कर दीजिए, उसी में सारे ट्रांजेक्शन्स को आप यहाँ पर अकाउंट फॉर कर दीजिए, जो डेबिट होना है मतलब जिनसे हमारी कैपिटल कम होनी है उनको भी यहाँ पर कर दीजिए, और जो बैलेंस निकलेगा टू बैलेंस कैरी डाउन वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब एक ही कैपिटल अकाउंट चलेगा, करंट अकाउंट का काम यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा हुआ है ए एंड बी आर द पार्टनर्स एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, उनका जो लॉसेस एंड प्रॉफिट शेयर है इक्वल है, देयर बैलेंस शीट इज गिवन, ये हमको उनकी बैलेंस शीट गिवन है। सी को वो एडमिट कर रहे हैं, सी इज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/4 शेयर एंड फॉर द 1 April 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, सी इज टू इंट्रोड्यूस 2,50,000 फॉर द कैपिटल, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसमें बाय बैंक कर दोगे 2,50,000 और बैंक अकाउंट में 2,50,000 ऐड कर दोगे, गुडविल इज टू बी एग्रीड टू बी निल। अब देखिए बेटा इन एडजस्टमेंट को पढ़ने से पहले ना आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि इस वाले बैलेंस शीट में कोई हमारे पास एक्यूमुलेटेड गेन्स या लॉसेस तो नहीं है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्रेडिटर्स और बीपी है, तो कोई भी एक्यूमुलेटेड गेन्स नहीं है। यहाँ पर आ जाइए लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, ये उनका प्रोविजन हो गया, बीआर और बैंक कुछ नहीं है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है। ये अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी वो कह रहे हैं कि कोई गुडविल ही नहीं है, तो ये और क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया कि गुडविल के लिए ना हमें कोई वैल्यूएशन करना है, ना उसमें से कमिंग पार्टनर का शेयर निकालना है, और ना उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है, नथिंग अबाउट गुडविल। आगे देखिए, इट इज फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूड ए सम ऑफ 15,000 व्हिच वाज नॉट टू बी पेड, कोई बात नहीं भाई गेन हो गया फर्म को, एक क्रेडिटर्स जो हमें दिए हुए हैं 260 के, इनमें से एक ऐसा है क्रेडिटर जिसको कि 15,000 रुपीज का जो हमें पे नहीं करना, तो पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, यहाँ पर आप कर दोगे बाय क्रेडिटर्स 15,000। लाइबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन टू द वर्कमैन अमाउंटिंग टू ₹20,000, एक वर्कर को चोट लग गई है उसको हमें 20,000 रुपीज पे करने हैं, जबकि उसके लिए हमने कोई रिजर्व यहाँ पर मेंटेन नहीं किया हुआ, तो इट इज अ एक्स्ट्रा लाइबिलिटी फॉर द फर्म विच फर्म हैज टू पे। सो ये जो 20,000 की लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इसको आप रिवैल्यूएशन में लेकर आओगे,
ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, इसको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द 10%। हमारे डेटर्स हैं 1,50,000, इनका 10% होता है 15,000 जो कि हमें क्रिएट करना है, लेकिन हमने क्रिएट किया हुआ है सिर्फ 10,000 रुपीज के लिए, तो 5,000 और आपको क्रिएट करना होगा, लॉस हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डेटर्स। आगे देखिए, इट वॉज डिसाइडेड टू हैंसफोर्थ फॉलो द फ्लक्चुएटिंग, ये हम बाद में कर ही लेंगे। बिल्स एक्सेप्टेड बट ₹40,000 इश्यूड बाय क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड। देखिए बेटा, अभी एक बिल्स हमारे पास, अभी जो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं वो तो 260 के दिए हुए हैं और जो बिल्स दिए हुए हैं वो 1,00,000 के हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक 40,000 का बिल एक्सेप्ट किया किसी क्रेडिटर ने और उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, जब भी कोई क्रेडिटर बिल एक्सेप्ट करता है तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, वो क्रेडिटर जिसने बिल एक्सेप्ट किया है वो कम हो जाता है, तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर देते हैं हम और बिल्स पेबल की जो लाइबिलिटी है वो क्रिएट हो जाती है। बिल्स पेबल की लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये टू बिल्स पेबल, तो सिर्फ आपको करना क्या है कि 40,000 क्रेडिटर्स में से तो माइनस कर दोगे इन द लास्ट बैलेंस शीट, और ये जो 1,00,000 के बिल्स पेबल दिए हुए हैं उनमें बिल एक्सेप्ट किया है क्योंकि, तो बिल बढ़ जाएंगे, तो इसमें वो 40,000 आप बिल्स में ऐड कर दीजिए। तो बिल आप शो करोगे 1,40,000 के और जो क्रेडिटर्स हैं वो आप शो करोगे 2,20,000 के। क्लियर। ए प्रोवाइड्स ₹1,00,000 लोन्स टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम। ए ने एक लोन दिया है, तो जब ए लोन देगा तो बैंक, उसके पास फर्म के पास क्या आ जाएगा बेटा, बैंक आ जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी, बैंक बैलेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी एज लोन अकाउंट, ये 1,00,000 रुपीज। तो आप इसकी बैलेंस शीट में पोस्टिंग कैसे करोगे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो एक और लाइबिलिटी फर्म के पास आ गई, वो होगी एज लोन। यहाँ पर लोन आ गया आपके पास 1,00,000 रुपीज का और बैंक अकाउंट, जो यहाँ पर बैंक बैलेंस बढ़ाओगे, बैंक हमें दिया हुआ है 1,00,000 रुपीज, तो 1,00,000 रुपीज तो ये हो गए प्लस 1,00,000 रुपीज लोन के आ गए जो कि ए ने दिए हैं, प्लस 2,50,000 की कैपिटल लेकर आया था न्यू पार्टनर, 2,50,000 ये हो जाएंगे, तो ये तीनों मिलके हमारे बैंक अकाउंट में इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं भी